भारत की वो सबसे महाशक्तिशाली हवाई ताकत जिसकी जद में है विश्व के कई बड़े शहर, जो पूरे चीन पाकिस्तान समेत यूक्रेन के मेडागास्कर तक सब कुछ राख में तब्दील कर सकता है, ये अचूक योद्धा। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अब तक कई ऐसे हथियारों को उतार चुका है जो दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है। इनमें कई मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स जैसे योद्धा शामिल हैं। लेकिन इनमें भी अगर देखा जाए तो मिसाइलों का अहम रोल होता है। युद्ध की स्थिति में मिसाइलें वॉरशिप से, रॉकेट लॉन्चर्स से, हेलीकॉप्टर्स से और फाइटर जेट्स से फायर की जा सकती हैं, जो सीधे जाकर दुश्मन खेमे में तबाही मचाता है। इस फेहरिस्त में कई ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत की शान है, लेकिन इनमें भारत की ब्रह्मोस और अग्नि 5 की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान में। आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि भारत की अग्नि 5 में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए अमेरिका तक परेशान रहता है। उस वक्त क्या होगा जब इसे दुश्मन पर लॉक करके दाग दिया जाएगा? ऐसी स्थिति में दुश्मन का कितना नुकसान होगा? इस वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं, लिहाजा वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। भारत की सबसे खतरनाक मिसाइली ताकत एक ही झटके में पूरा चीन कर सकती है राख। दोस्तों, अग्नि 5 का भारत के डीआरडीओ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार परीक्षण किया है और हर बार इस मिसाइल ने टारगेट को सटीक तरीके से नेस्तानाबूद किया है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन का लगभग कोई शहर नहीं है जो भारतीय मिसाइल की जद से बाहर हो। इसका मतलब सीधा है, अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने जंग के मामले में कभी अग्गी नहीं की है, लेकिन जब उस पर जंग थोपी गई है तो उसने दुश्मन का मुंह धुआं करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत को ताकतवर बनाने वाले इन्हीं हथियारों में एक नाम आता है अग्नि 5 का। अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने इसका सफल परीक्षण किया। यह परमाणु सक्षम और सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दुश्मन के किसी भी शहर को यह देखते ही देखते नेस्तानाबूद कर सकती है। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। मिसाइल 1.75 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर है। ये अपने साथ 1.5 टन वॉरहेड ले जाने में समर्थ है। इसका मतलब हुआ कि ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसका निशाना अचूक है। भारतीय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अपने सबसे तेज गति से 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड हासिल कर सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ICBM में किसी मिसाइल को कुछ खास पैमाना पूरा करने पर ही जगह मिलती है। देखा जाता है कि इन मिसाइलों की रेंज कितनी है कि वो एक कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को पार कर दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकती है कि नहीं। अग्नि 5 इस पैमाने पर खरी उतरती है। अग्नि 5 मिसाइल की एक और खूबी ये है कि इसमें मेंटेनेंस की जरूरत कम है, साथ ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। कई देशों को अकेले बर्बाद कर देगी भारत की अग्नि 5 मिसाइल। भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वो पूरे एशिया, यूरोप का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, रूस, जापान, इंडोनेशिया तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी MIRV तकनीक, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। इस तकनीक में मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वाले वॉरहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है। इस कमांड के तहत ही भारत की सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें शामिल हैं। सूर्य मिसाइल अभी बनी नहीं है। इसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर होगी। उससे पहले अग्नि 6 बनाई जाएगी जो 8,000 से 12,000 किलोमीटर के रेंज की होगी।
इस कमांड में समुद्र में मौजूद सैन्य मिसाइलें भी शामिल हैं, जैसे धनुष, सागरिका आदि। 50,000 किलोग्राम वजन वाली अग्नि 5 मिसाइल को 200 ग्राम का कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम नियंत्रित करता है। ये इस मिसाइल पर ही लगा होता है। इसे सिस्टम ऑन चिप आधारित ऑन बोर्ड कंप्यूटर कहते हैं। MIRV तकनीक यानी मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई 100 किलोमीटर में फैले अलग अलग 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 की इन्हीं बातों से दुश्मन में है खौफ। अग्नि 5 की इतनी सारी खूबियों के कारण ही चीन में खौफ है। वो दुनिया भर में चिल्लाता घूम रहा है। खुद तो वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता जा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। भारत ने इस मिसाइल के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के बाद अब इसका यूजर टेस्ट भी पूरा कर लिया है। चीन को मिर्ची इसी बात से लगी है। इसे लेकर चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में चुगली तक कर चुका है। उसने आरोप लगाया है कि भारत की इस मिसाइल की रेंज कहीं और ज्यादा है, वह इसे घटाकर दिखा रहा है। उसने यह भी कहा कि इस मिसाइल की टेस्टिंग पर रोक लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो हथियारों की होड़ तेज होगी। यह क्षेत्र की स्थिरता के लिए सही नहीं होगा। यह भी आरोप मढ़ा कि भारत एशिया में शांति के वातावरण को खराब करना चाहता है। वहीं जानकार मानते हैं कि चीन का दुनिया भर में हंगामा मचाना सिर्फ दिखावा है। असली दिक्कत यह है कि अग्नि 5 के कारण अब उसके सभी शहर भारत की जद में है। इसी बात से उसे पेट में दर्द है। दूसरी अहम बात है कि यह भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों में खड़ा कर देता है। अभी सिर्फ 5 देश ही ICBM होने का दम भरते हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है। चीन की चिंता इसी बात से है। अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में खटास है। चीन ये हंगामा तब मचा रहा है जब पहले ही उसके पास डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइलें हैं, जो 12 से 15,000 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकती हैं। दरअसल चीन ताकत की भाषा समझता है, उसे विनम्रता की भाषा समझ नहीं आती है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर है कि वो चीन को कैसे जवाब देता है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण उसे मुफीद जवाब है, खास तौर से यह देखते हुए कि वो किस तेजी के साथ हाल ही में धड़ाधड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। अग्नि के अलग अलग वेरिएंट्स बनाने वाला DRDO मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV भी तैयार कर रहा है। MIRV पेलोड में एक मिसाइल में 4 से 6 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकेगी। इन्हें अलग अलग टारगेट को हिट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।